वेलकम बैक टू माय चैनल यू प्रकाश, जहाँ मैं बात करती हूँ फैशन टिप्स, ब्यूटी टिप्स, स्टाइल टिप्स, स्किन केयर, मेकअप। सो आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट वीडियो है। मैं जनरली आपसे फैशन रिलेटेड वीडियोस, फैशन कंटेंट वीडियोस एंड स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में, स्किन केयर रूटीन के बारे में शेयर करती हूँ। सो आज मैं आपसे स्किन फूड के बारे में शेयर करूँगी। ऑफकोर्स ये स्किन केयर से ही रिलेटेड है। सो हमारे स्किन पे ग्लो कैसे आए, मैं प्रोडक्ट के बारे में शेयर करती हूँ, उसके रिव्यू के बारे में एंड रूटीन शेयर करती हूँ। तो आज मैं स्किन पे नेचुरल ग्लो कैसे आए उसके बारे में आपसे शेयर करूँगी। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्किन पे ग्लो लाने के लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं, पार्लर के चक्कर लगाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं अपने फेस पे, जिससे कि हमारा फेस ग्लो करे, बट फिर भी एक हद तक वो नेचुरल ग्लो नहीं आता है। प्रोडक्ट जो भी हम यूज़ करते हैं वो एक इंस्टेंट ग्लो तो देता है, बट लॉन्ग रन में वो ग्लो नहीं देता। ऑफकोर्स मैं ये नहीं कह रही कि आप स्किन केयर रूटीन फॉलो मत कीजिए, स्किन केयर रूटीन भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, बट एक अंदर से ग्लो भी लाना जरूर है, नेचुरल ग्लो भी लाना जरूरी है। हेल्दी फूड नहीं देते जिसकी वजह से हमारा स्किन नेचुरल ग्लो नहीं करता, इन लॉन्ग रन वो नेचुरल ग्लो नहीं करता। हमारे स्किन को नेचुरल फूड की ज़रूरत होती है, स्किन फूड की ज़रूरत होती है, जिससे कि हमारा स्किन हेल्दी दिखे, हमारे एंटी एजिंग फाइन लाइंस अंदर से ख़त्म हो। सो मैं इस स्किन फूड के, कपिवा स्किन फूड के बारे में शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप डेली कंज्यूम कर सकते हैं एंड अपने स्किन पे नेचुरल ग्लो ला सकते हैं। सो मैं इस कपिवा स्किन फूड के बारे में आपसे इसके बेनिफिट्स शेयर करूँगी, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो शेयर करूँगी एंड आपको इसे कंज्यूम कैसे करना है, कितने दिनों तक कंज्यूम करना है एंड किस तरह से कंज्यूम करना है, सारी चीज़ें मैं आगे वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस तरह के पैकेट में आता है एंड इसमें 30 सैसे रहते हैं। इट मीन्स आप अगर डेली एक सैसे कंज्यूम करें तो आपको ये 1 मंथ तक चलेगा। एंड इसमें इस तरह का सैसे है, आप देख सकते हैं इसमें इस तरह का सैसे दिया गया है। सो मैं ये 3-4 दिन से कंज्यूम कर रही हूँ, देन मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ। सो इसमें 3-4 सैसे कम है, बाकी 25-26 सैसे इसमें है। सो ये इस तरह के पैकेट में आता है एंड ये आपको कपिवा के साइट पे मिल जाएगा, अमेजोन पे भी मिल जाएगा। सो सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, सो आप वहाँ से ले सकते हैं। कपिवा स्किन फूड ग्लो मिक्स में है रोज, शतावरी, पोमेग्रेनेट एंड मुलेठी। सो ये चार इंग्रेडिएंट्स जो है की इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे स्किन को हेल्दी रखता है एंड हमारे स्किन पे ग्लो लाता है। सो पोमेग्रेनेट हायोनिक एसिड को इंक्रीज करता है, जिससे कि हमारे डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन दूर होते हैं। रोज हमारे स्किन में कॉलेजन को प्रोड्यूस करता है एंड हमारे स्किन को यूवी रे से बचाता है। मुलेठी हमारे डार्क स्पॉट्स को कम करता है एंड शतावरी हमारे स्किन पे नेचुरल ग्लो लाता है। सो ये चार की इंग्रेडिएंट्स हमारे स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं एंड हमारे स्किन को ये अंदर से हेल्दी रखते हैं एंड ऑफकोर्स हमारे स्किन पे नेचुरल ग्लो लाते हैं। एंड सबसे अच्छी बात है कि ये कपिवा स्किन फूड ग्लो मिक्स जो है ये आयुर्वेदिक फार्मूला है, 100% प्लांट बेस्ड फार्मूला है, क्योंकि इसमें प्लांट बेस्ड चीज़ लिए हुए हैं, कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल या आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं है, जैसे कि पोमेग्रेनेट, मुलेठी एंड शतावरी ये सब प्लांट बेस्ड है। तो ये 100% प्लांट बेस्ड फूड है, सो इसमें कोई भी आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। ऐसे भी आयुर्वेदिक का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। मैं 3-4 दिन से इसे कंज्यूम कर रही हूँ, सो मुझे अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। सो अब हम बात करेंगे कि इसे कंज्यूम कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे कंज्यूम बिल्कुल भी आपको एम्प्टी स्टोमक में नहीं लेना है, आपको खाली पेट इसे बिल्कुल भी नहीं लेना है। जब आप लंच कर लें या फिर ब्रेकफास्ट कर लें उसके बाद ही आपको इसे कंज्यूम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले एक सैसे लेके देखें, ब्रेकफास्ट के बाद या लंच के बाद आप 100 ml वाटर में एक सैसे डाल के इसे कंज्यूम करें एंड आप इसका रिजल्ट धीरे धीरे देखेंगे। इस स्किन फूड को 3-4 दिन से कंज्यूम कर रही हूँ एंड मुझे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं नज़र आया अपने बॉडी में या फिर अपने स्किन पे। सो आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं, लैक्टेटिंग मदर हैं, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें एंड देन ही इसे आप कंज्यूम करें।
एंड इस कपीवा स्किन फूड ग्लो मिक्स को आप 1 ग्लास पर डे लें। फॉर बेटर रिजल्ट के लिए आप इसे 1 मंथ तक लें एंड देन आप देखें कि आपके स्किन पे ये अच्छा सा ग्लो लाएगा एंड देन आप इसे और भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये स्किन फूड आयुर्वेदिक है, सो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, जब तक आप चाहें कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड अगर आप बिलो 18 ईयर्स के हैं तो आप ये कंज्यूम बिल्कुल ना करें, अबव 18 ईयर्स के हैं तभी आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं एंड मेल एंड फीमेल बोथ आप इसे ले सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि कपीवा स्किन फूड लेने से क्या क्या बेनिफिट्स होंगे हमारे स्किन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पिगमेंटेशन इससे दूर होंगे, आपके जो एक्ने मार्क्स एक्ने स्कार्स होते हैं सन टैन वगैरह पिगमेंटेशन हो जाते हैं सन डैमेज की वजह से सो ये कपीवा स्किन फूड उसे रिमूव करेगा। सेकेंड आपके एंटी एजिंग में ये बहुत हेल्प करेगा। सो ये था मेरा आज का वीडियो जहाँ मैंने आपसे शेयर किया कपीवा स्किन फूड ग्लो मिक्स के बारे में एंड उसके की इंग्रेडिएंट्स हाउ टू कंज्यूम। सो ये सब मैंने आपसे शेयर किया एंड अगर आप कपीवा स्किन फूड ग्लो मिक्स लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हैप्पी।